बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो चलें अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब जिस तरह से हमें ये एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है, अब हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट है न्यूमरेटर कहलाता है और सेकंड वाला जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है, अब हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इनको सिंपल डिवाइड करेंगे। अब जो न्यूमरेटर है उसको यहाँ पर लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर बना देंगे। अब यहाँ पर देखें कि टू बड़ा है वन से, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले यहाँ पर ज़ीरो और पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर ज़ीरो लगा सकेंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो लगा देंगे। अब टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन, यानी कि ये इस पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया और इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो फाइनली हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसका आंसर 0.5 है। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइजर बना देंगे। अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो फोर की टेबल में 19 नहीं आएगा, तो हम 19 से जो कम नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। फोर को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 इस डिवाइजर से छोटा है, इसको हम मज़ीद डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब जब ज़ीरो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया तो ये 30 बन गया। 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। 4 7s are 28। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2। अब पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब 2 फिर जो डिवाइजर से छोटा है तो इसको मज़ीद डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, हमने पॉइंट पहले से लगा दिया, यहाँ पर 0 का इजाफा कर देंगे। अब ये 20 बन गया। तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5s are 20, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया, यानी कि ये इस पर डिवाइड हो गया। तो इस फ्रैक्शन की जो डेसिमल फॉर्म होगी वो 4.75 होगी। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर और यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ 4 जो है वो बड़ा है 3 से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और पॉइंट। 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब 4 7s are 28 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 और पॉइंट ऑलरेडी हमने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और 0 हम बढ़ा सकते हैं, 4 5s are 20। तो ये भी इस पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो इस फ्रैक्शन की जो डेसिमल फॉर्म है वो है
0.75। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।